नमस्कार, एमएसडब्ल्यू न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बताने वाले आपको तेलंगाना में नीट की क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिस्ट रह सकती है स्टेट कोटा के हिसाब से। रैंक वाइज किस कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है, इस वीडियो में हम इस बार पे डिस्कस करेंगे। अगर आप लेना चाहते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज निजामाबाद के अंदर एडमिशन, तो UNR जर्नल के लिए आपका जो रैंक रह सकती है 17,550, लोकल जर्नल के लिए 23,060 तक जो रैंक पे एडमिशन हो सकता है। SC की बात करें तो 76,405, ST की बात करें तो 61,596 भी रैंक तक एडमिशन होने की संभावना है। BC के लिए 64,614 रैंक तक इस बार एडमिशन हो सकता है। यह हमारी तेलंगाना पर वीडियो सीरीज का पहला पार्ट है। आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप नेक्स्ट पार्ट में हम जिन कॉलेजों के बारे में बताने वाले हैं वो भी देख सकें। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एडिलाबाद के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो UNR जर्नल के लिए 24,025 आपकी बार कट ऑफ जो रैंक रह सकती है। लोकल जर्नल के लिए 32,229, SC के लिए 82,802, ST कैटेगरी की बात की जाए तो 71,353 रैंक तक एडमिशन अब की बार हो सकते हैं। अगर BC कैटेगरी की बात की जाए तो जो है आपके 67,080 वी रैंक तक अब की बार जो है इस कॉलेज के अंदर एडमिशन होने की संभावना है। वहीं कैकटिया मेडिकल कॉलेज अगर आप इसकी बात करें तो UNR जर्नल के लिए 12,271 रैंक तक एडमिशन हो सकते हैं। लोकल जर्नल के लिए 15,264 रैंक तक, SC के लिए 61,868 रैंक तक एडमिशन हो सकते हैं। ST कैटेगरी की बात करें तो 92,293 रैंक तक एडमिशन हो सकते हैं। BC के लिए 45,486 रैंक तक अब की बार एडमिशन हो सकते हैं। अब की बार इस रैंक के नीचे जाने का कारण यही है कि अब की बार सीटें बढ़ गई है। अब की बार पूरे भारत में 25% सीटें मेडिकल कॉलेजों के अंदर बढ़ा दी गई है, जिसकी वजह से जो अब की बार रैंक में गिरावट आएगी। गांधी मेडिकल कॉलेज अगर सिकंदराबाद की बात करें तो UNR जर्नल के लिए 5,515 रैंक तक एडमिशन हो सकते हैं। लोकल जर्नल के लिए 7,129 रैंक तक एडमिशन हो सकते हैं। SC कैटेगरी की बात की जाए तो 48,833 रैंक तक अब की बार एडमिशन हो सकते हैं। ST के लिए 33,507 रैंक तक एडमिशन होने की संभावना है। वहीं अगर आप BC कैटेगरी की बात करें 34,737 वी रैंक तक अब की बार इस कॉलेज के अंदर एडमिशन हो सकते हैं। पिछली बार इससे जो कट ऑफ थी, जो रैंक थी, वो थोड़ी ज़्यादा गई थी, लेकिन अब की बार थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि अब की बार जो है जो कॉलेजों में सीट बढ़ गई हैं। ओमानिया मेडिकल कॉलेज हैदराबाद की बात करें तो जो UNR जर्नल के लिए 4,247 रैंक तक, लोकल जर्नल के लिए 8,083 तक और SC के लिए 48,222 तक, ST के लिए 40,700 वी रैंक तक एडमिशन हो सकते हैं। वहीं अगर आप BC कैटेगरी की बात करें तो 33,982 वी रैंक तक इस बार एडमिशन होने की संभावना है इस सीट में, इस कॉलेज में। अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जिस वक्त आप चॉइस फिलिंग करें उस वक्त ध्यान से कीजिएगा। चॉइस फिलिंग कैसे करनी है उस पर हमने कई वीडियोज बना रखे हैं, आप जरूर देखिएगा। तेलंगाना पर भी हमने एक दो वीडियो बनाई है, आपको जरूर देखनी चाहिए हमारे चैनल पर आकर के। और हम जो है, अगर आप चाहते हैं कि हम स्टेट जो कट ऑफ रहने वाली है उसके नंबर के हिसाब से किस कॉलेज में कितनी कट ऑफ लिस्ट रहेगी, अगर उस पर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो हम बना देंगे। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप जो दूसरी हमारा पार्ट आने वाला है इस पर वो देख सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।